वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं आ गया एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ माइनक्राफ्ट की। तो आज मैं खेल रहा हूं माइनक्राफ्ट 1 ब्लॉक का सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड 2। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने कुछ नहीं किया था, हम लोगों ने एक छोटा सा डर्ट का पाथ बनाया था जिस पे भी ये जगह है, थोड़ा सा फीड फार्म है और वहाँ एनिमल शिफ्ट किया। और ये जो जगह मैंने ऑफ कैमरा बनाई, यहाँ पर हम बनाएंगे बहुत खतरनाक चीज जिसको देखने के आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। आज हम वीडियो में बनाएंगे दो चीजें, शायद थंबनेल में देखे आपको पता चल गया। मेरे को इन सब चीजों पहले एक चीज आज याद आई, मैं बता देता हूँ कि मेरे को काफी सारे लोगों पहले शॉर्ट आउट देना, पहले मेरे सीएन चैनल था शॉर्ट आउट का, लेकिन मैं भूल गया था। तो मैं बस जिसके स्क्रीनशॉट्स होंगे तो मैं शॉर्ट आउट दे दूंगा उनको। और अगर आप लोगों भी आगे शॉर्ट आउट चाहिए और हर अगली वीडियो में, तो पूरी वीडियो देखकर नीचे कमेंट कर देना, अच्छा सा मैं आप लोगों को शॉर्ट आउट दे दूंगा। बस जिसके स्क्रीनशॉट उसको शॉर्ट आउट दे दिया, अगली बार से नहीं बनाऊ उसका शॉर्ट आउट दूंगा। और अब जल्दी जल्दी प्लेस बना के मैंने स्टार्ट कर दिया। जिसने लास्ट एपिसोड देखा होगा उसको लग रहा होगा मैं बस सुपर चेस्ट में चीज अच्छी मिली है। देखो ये ना स्टार्टिंग के फेज है, एंडिंग के फेज कितने खतरनाक आने वाले, ना आपको पता है ना मेरे को पता है। तो मुझे नहीं पता एंड तक क्या होगा यार। वन ब्लॉक के सीरीज मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। अगर आप लोग भी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जैसे जब जब वन ब्लॉक की नया एपिसोड आता है आपको पता चलता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को पूरा देखो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो अभी यहाँ पर मैंने गाय को मार दिया, मैं सोचा था शीप को ही मार दूंगा, लेकिन अब शीप को नहीं मारना, जल्दी से जल्दी पहले मैं बनाऊंगा आयरन में बहुत सारे शेयर बनाऊंगा, उसके उसकी वुल निकालूंगा, देखूंगा कितनी वुल निकलती है और फिर डायरेक्ट बेड बना के सो जाऊंगा। क्योंकि किसी और शीप को मैं नहीं काट, मतलब उसके बाल नहीं निकाल सकता, समझा करो, उसको शेयर नहीं कर सकता मैं। तो मैं जल्दी जल्दी शेयर बना लेता हूँ। इतने शीप से कितने वूल मिले, 3 मिले, 3 तो मैंने शेयर कर दिया, 3 वूल मेरे को मिल गए। मैं जल्दी जल्दी बेड बना के मैं सो जाता हूँ। तो ये बन गया हमारा बेड और मैं जल्दी जल्दी इसको कहीं ना कहीं लगा के सो जाता हूँ, क्योंकि बहुत तेज जोर से बिजली कड़क दी, मतलब रात तो बहुत खतरनाक गुजरने वाली। तो शुक्र है बेड बन गया, अब गेम सब कुछ सही हो जाएगा, करेगा ना। तो मैंने इसको भी मार दिया, मैं जल्दी से जल्दी दोबारा माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। और अब मैं सोचो माइनिंग क्यों रोक दी जाए थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर के लिए हमने जो वो बिल्ड बनाई है, थोड़ी सी हम लोग जो बिल्ड बना रहे हैं, मैं बता दूँ क्या बना रहे हैं। हम लोग बना रहे हैं ट्री फार्म, इसको जल्दी से जल्दी पूरा कंप्लीट करता हूँ, यहाँ ट्री लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी प्लैंक्स की और मतलब वुड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। मैं वह अभी जितने भी वो थे मतलब वुड था, उन सबको मैंने प्लैंक्स और उन सबके स्लैब्स को कन्वर्ट कर लिया। मैं जल्दी जल्दी पूरा का पूरा डिज़ाइन जो बना कंप्लीट करता हूँ। मेरे को पता नहीं डिज़ाइन कैसा लग रहा है, मैंने काफ़ी कुछ सोच के बनाया है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है टिकड़ा बन गया है। यहाँ पर जल्दी से जल्दी मैं पूरे स्ट्रक्चर को कम्प्लीट कर लेता हूँ, और मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो मैं उसको उसका डिज़ाइन पूरा सही करना है, डिज़ाइन आधा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। और फिर जल्दी जल्दी मैं एक दो सैपलिंग्स भी लगा दूँगा, ताकि जल्दी जल्दी सैपलिंग्स ग्रो कर, क्योंकि मेरे प्लैंक्स और वुड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्ट्रक्चर को भी कम्प्लीट करने के लिए और भी कामों के लिए। तो जब तक मैंने वहाँ सैपलिंग वगैरह लगा दी, जब तक वो ग्रो होती है, मैं यहाँ पर माइनिंग कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, इस फेस को खत्म करने की कोशिश करता हूँ, चेक करता हूँ तीसरा फेस हमारा कौन सा आएगा। तो यहाँ पर ये आ चुका है और इसको मैं ऊपर देख के मारूंगा, बस मतलब पूरा नहीं मारना, दूर करना है ना, समझा करो। तो जल्दी जल्दी मैं माइनिंग कर रहा हूँ यार, ये मेरा फेस ही नहीं खत्म होकर दे रहा, पता नहीं कब से माइनिंग लगी हुई, पता नहीं कब फेस खत्म होना, डायमंड भी अभी फाइनली गए कुछ 650 ब्लॉक माइन करने का, हमारा दूसरा फेस भी खत्म हो चुका है, थर्ड फेस स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है देख के पता नहीं कितना खतरनाक हो सकता है, नेम से तो लग रहा है खतरनाक। अब तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बना लूँ डिफेंस की चीज़, अगर क्रीपर या ज़ॉम्बी कुछ भी स्पॉन होता है तो वो ऊपर ही रहेगा, क्रीपर स्पॉन होता है तो फट सकता है, उसके फटने के चांस पूरे होते हैं, तो इस वजह से मेरे को देख नहीं पाएगा और मैं उसको ईजिली मार दूंगा। तो हर चीज़ दिमाग में रख रख के चलना चाहिए, सही है। तो ये मेरे को इस फेज के अंदर रेड स्टोन लैपिस तो मिल ही जा रहे, गुड वाला सीन है, और गोल्ड भी मिल रहा है, पता नहीं डायमंड मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे को तो नहीं लगता डायमंड मिलेगा, पता नहीं देखते आगे मिलता है नहीं मिलता डायमंड। तो मैं इस फेज को माइन करते हैं, तो लैपिस और रेड स्टोन तो भाई भर के मिल रहा है, जैसे मतलब डायमंड भी मिल गया, डायमंड दो मिल गए, उफ उफ उफ। तो यार मेरी तो मुझे लग रहा है इस फेज, ये फेज मेरा लॉटरी के नाम पर है, इस फेज में मेरे लिए लॉटरी निकली हुई लॉटरी। तो मैं कुछ सैपलिंग्स वगैरह लगा देता हूँ, मैंने लास्ट टाइम मेरे को लग रहा था मैंने सैपलिंग लगा दी, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं रहा था मैंने सैपलिंग नहीं लगाई, अभी मेरे को याद है, मैंने देखा मैं ग्रो करने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब मेरे को याद है कि मैंने सैपलिंग्स लगाई नहीं है। तो ले ली मैं यहाँ पर सैपलिंग्स लगा देता हूँ जितनी मेरे पास सैपलिंग्स है, और फिर हम लोग और क्या कर सकते हैं उसके ग्रो होने का वेट करेंगे। फिर अब मेरे को याद लग रहा था कि मैंने लगा दिया पता नहीं क्या, और भाई साहब मैं गिर गया और मेरे पास ये सारा सामान था और ये चले गया यार, ये तो शिट वाला सीन हो गया यार, मेरा सारा सामान चले गया। तो यार ये तो शिट वाला सीन है। तो मैंने जल्दी जल्दी आयरन निकाला, अपना आयरन के एक पेस बना लिया, दोबारा से माइनिंग शुरू कर दिया, मेरे पास बहुत कुछ था, सब गिर गया यार, मैं वो गुस्सा आ रहा है अभी। तो यार अब थोड़ा सा मतलब सही से खेलना, मतलब गलत तरीके चढ़ धड़म करके नहीं खेलना यार, वरना फिर समझ रहे हो ना फिर से गिर जाऊंगा, फिर से मसला आ जाएगा। तो वो अब दो ट्री तो ग्रो हो चुका है, मैं लास्ट टाइम वो ट्री भी चॉप कर देता, तो उसके अंदर से जो सैपलिंग मिली जो भी मेरे पास है अभी, तो मैं जल्दी इन दो को भी मैं सोच रहा चॉप कर दिया, फिर क्या करूँ, हाँ चॉप कर लेता हूँ यार इन दोनों को, लेकिन मेरे को ध्यान से करना, गिरना नहीं है, गिरना बैठ के साइडों से चलना है यार, जल्दी जल्दी मेरे को पूरा कंप्लीट करना है, मेरे को डर लग रहा है दोबारा गिर ना जाऊँगा, गिरना नहीं है, बहुत सारा सामान चल गया, मेरे को अभी तक गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर ना। जल्दी मैंने दोनों ट्री पूरे तोड़ दिए और मेरे पास
जितनी थी वो मैंने जल्दी जल्दी पूरा स्लैब बना लिया और पूरे एरिया को जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सकता है कवर करता हूँ। मेरे को अब गिरना नहीं है तो मैं फटाफट से पूरा का पूरा एरिया कवर करता हूँ। इतना तो कवर हो गया, ये बस थोड़ा सा एरिया मैंने स्लैब्स पूरे कंप्लीट कर दिए और फाइनली पूरा का पूरा कवर हो चुका है। अब गिरने का खतरा और डर नहीं है। अब जल्दी से जल्दी मैं अपन जितनी सैपलिंग्स हैं बस सारी की सारी लगा देता हूँ। अगर आप लोग ऐसे एक्सेंट में वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यार बस ऐसे थोड़ा रफ्ती के लिए। और यार आपको लोग मैंने बोला था कि मेरे और भी गेम को ट्रैक कर रहा हूँ तो टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ और भी वीडियोस लाने का और भी गेम खेलने का। मतलब ये माइनक्राफ्ट का वन ब्लॉग और क्रीपर आ चुका माइनिंग करते करते अचानक से देखा तो ये चीज़ बना दी। मैंने क्रीपर से पूछने का ये नहीं बनाया था ना अभी तक। क्रीपर मेरा पूरा का पूरा आइलैंड बर्बाद कर चुका था। मैं क्या बोलूँ, इसको गाली देता हूँ गाली क्रीपर को। दूसरा क्रीपर भी आ चुका भाई, बच गया मैं, बच गया। और जहाँ पर सारे ट्री ग्रो हो चुके क्योंकि मैं गेम खोल के कहीं चले गया था। मैं बस माइनिंग भी नहीं कर रहा था, मैं गेम ऑन करके चले गया था, बस ऑन वेट कर रहा था सारे ट्री ग्रो होने का। सारे ट्री ग्रो हो गए, सारे ट्री को चॉप भी कर लिया। अब मेरे पास काफ़ी सारी वुड आ गई तो जल्दी जल्दी मैं इस वुड को प्लैंक्स और सब में चेंज करूँगा। और मेरे पास वीड भी सारी ग्रो हो गई तो जल्दी जल्दी मैं काम भी करता हूँ, उनको वीड भी खिलाता हूँ जल्दी से जल्दी। और मैं गाय के भी बच्चे और इसके भी बच्चे करता हूँ। ज़ॉम्बी भी आ गया और एक और सुपर चेस्ट आ गया, इसके अंदर एक डायमंड दो डायमंड सॉरी और एक गोल्ड की पिकैक्स मिली है। बट डायमंड बहुत सारा जमा हो गया। चलिए जितने ब्लैक्स हो सकते हैं मैं बना लेता हूँ, मैं बना लूँगा। तो स्लैब्स की मेरे को एक और जगह बनानी है, वो जगह बनानी है मेरे को स्टोरेज रूम के लिए। मैं बस स्टोरेज भरती जा रही है, बस सामान भरता जा रहा है, बस चेस्ट भी भरते जा रहे हैं, लेकिन रखने के लिए जगह नहीं ना। तो मैं एक बना लेता हूँ एक पास जहाँ पर मैं पूरा स्टोर रूम बना सकूँ अपने लिए और वहाँ अपना सारा सामान को मैं रख सकूँ। और फिर जल्दी जल्दी मैं अपने गाय के बच्चे भी बढ़ाता हूँ और शीप के भी बच्चे भी, क्योंकि मैं बस वो दो ही हैं। अगर मर गए एक भी तो मेरे लिए मसला हो जाएगा, तो मेरे को उनकी जनसंख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं सारे जितने भी चेस्ट सारे लगा दूँ और सारी मैं अपना जितना भी सामान है सारा शिफ्ट करता हूँ इस साइड पर। मैं बस अभी जितने भी चेस्ट है सबको इस आइलैंड मतलब इस जगह पर रखता हूँ जितने भी चेस्ट। और चेस्ट की तो कमी नहीं होगी, मेरे पास वुड तो भरपूर हो चुका है, मतलब अनलिमिटेड वुड और चेस्ट मिल जाता है। और अब जितना भी चेस्ट में सामान है सबको अपनी इन्वेंट्री में मैं लाता हूँ और फिर दोबारा से चेस्ट में डालूंगा। अब चेस्ट में मैं इसको सेपरेट करके डालूंगा, मतलब ब्लॉक्स वाले जो मेरा चेस्ट होगा उसमें सिर्फ ब्लॉक्स और ये जो लैपिस लाजुरी इन चीज़ों वाला चेस्ट होगा इनमें सिर्फ ये चीज़ें जैसे लैपिस लाजुरी डायमंड वगैरह, और ब्लॉक्स में ब्लॉक्स, प्लैंक्स में प्लैंक्स और पिकेक्स वगैरह सबके अलग अलग चेस्ट बनाऊंगा ताकि मेरे को जगह मतलब टाइम पे वो चीज़ मिल जाए जो चीज़ चाहिए, समझ रहे। तो यार हर चीज़ अब आ जाए इसको, ये जो बाहर घूम रही थी ना कब से जो बाहर घूम रही हमारी वाली मुर्गी, तो उसको भी अंदर लेके जाए। तो चल चल मेरे साथ चल बेटा। अरे अच्छा जब मैं दूर नहीं हूँ जा रहा ना, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सीड लगा देता ताकि जल्दी से जल्दी दोबारा ही बढ़ जाऊँ, मैं अपनी जनसंख्या भी बढ़ा दूँ। और मेरे को अब एनिमल फार्म भी बनाना, इतने छोटे से उसमें एनिमल इतने सारे नहीं आ सकेंगे जितने एनिमल मैं सोच रहा हूँ ना। तो अभी चलिए ले अंदर चलता और मैं, अरे दरवाज़ा खुल जा मेरा, मतलब मैंने जो बनाया ना मेरे को समझ जाना, मैंने बनाया क्या, क्यों बनाया, किस तरह लिए बनाया, किस जगह बनाया, मेरे को तो दिमाग में नहीं आ रहा है सब कुछ ना। तो जल्दी तुम लोग भी आ जाओ, सबसे पहले मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ वरना कोई भी भाग सकते हैं। सारे के सारे लालची है, सिर्फ खाने के लालची, भूखे नंगे पैदावार। तो मैं इसको भी खिला देता हूँ और गाय को भी ब्रीड करा देता हूँ और इनका एक एक बच्चा भी होगा। चलो अब मैं थोड़ा सा मैं वो हूँ, अगर एक एक को मार भी दिया अपने खाने के लिए तो मसला नहीं है, समझा करो ना। खाना ज़रूरी है इससे पहले। यहाँ पर मैंने फिर से माइनिंग को स्टार्ट कर दिया, तो जल्दी जल्दी दोबारा से माइनिंग स्टार्ट कर दिया। देखते हैं मेरे को ये फेस कब तक खत्म होगा। मैं काफ़ी सारे और एक और सुपर चेस आ चुका है, सुपर चेस के अंदर एक गोल्डन पिकैक्स स्टिक और एक मिल चुका है मेरे को डायमंड। तो ये वाला फेस कब खत्म होगा अभी मेरे को नहीं पता, मैं कब से इसको भी माइन कर रहा हूँ लेकिन ये भी फेस खत्म नहीं होगा। शायद 650 ब्लॉक जब मैंने माइन किया था सेकंड फेस खत्म हुआ था, अभी 1000 ब्लॉक से ऊपर कुछ मैं माइन कर चुका लेकिन अभी भी ये तीसरा वाला फेस खत्म नहीं हो रहा। पता नहीं कितने बड़े बड़े फेस हैं के अंदर, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं आयरन भी और डायमंड में टोटल 11 डायमंड हो चुका है भाई, कितना सारा। और एक और चेस्ट है इसके अंदर मेरे को सैडल मिल गया, सब थोड़ा सैडल बहुत टाइट चीज़ है। मेरा घोड़ा स्पॉन या घोड़ा में मतलब स्पॉन मतलब ये जैसे यहाँ पर शीप वगैरह स्पॉन हो रही है ना, जैसे आते हैं ब्लॉक्स में से अरे स्लाइम आ गया, मैं नीचे के जाऊँगा, मेरे को नीचे नहीं करना, बस सैडल है सैडल। घोड़ा मैं कैसे टेम करूँगा। तो स्लाइम इधर है, मैं कुछ अपने डिफेंस के लिए बना दूँ, जब आए ना वो तो मैं बैठ के यहाँ पर। अरे ये क्या हुआ, अभी तक स्लाइम था, मैंने अपने डिफेंस के लिए चीज बनाया, घूमा और स्लाइम गायब। यार मेरे ख्याल से ना इतनी जल्दी ना कुछ डिस्पॉन तो इतनी जल्दी तो हो ही नहीं सकता, आपको भी पता है इतनी जल्दी कुछ डिस्पॉन नहीं हो सकता। यार ये कैसे गायब हो गया, मैं तो सिर्फ अपने डिफेंस के लिए मुड़ा चीज बनाई और मुड़ा तो गायब। और डिसीज मेरी दिमाग में को समझ नहीं। अभी माइनिंग करते करते रात तो नहीं हुई, वैसी रात हो गई, तो अभी मैं सो जाता हूँ और सुबह उठ के देखता हूँ माइनिंग करने या क्या करने, क्योंकि फेस तो खत्म होने का नाम लिया और मेरे साथ तो अजीब गरीब चीज़ें हो रही है, ऐसे गुम मुड़ की गायब हो रही है चीज़ें, मैं क्या करूँ मतलब नहीं। तो मैंने यहाँ पर एक और डिफेंस का थोड़ा सा इसको अपग्रेड कर दिया, पहले सिर्फ मैंने ब्लॉक्स लगाया था, थोड़ा सा कुछ चौड़ा कर दिया, ऊपर भी मैंने फिक्स कर दिया, बंद कर दिया, जैसे स्लाइम जैसी चीज़ एक और अगर स्पॉन तो वहाँ के अटक जाए ना, समझ रहे। तो भाई दोबारा रिलीज नहीं लेना, अगर उसने एक बार अब धक्का मारा तो मैं डायरेक्ट नीचे जाएगा, समझ रहे। बहुत सारी चीज़ें थी, मैं बच गया, बस मैं यही
ओके कर रहा हूँ मैं, बच गया बस, ये काफ़ी है मेरे लिए। तो यार मैं धड़ाधड़ माइनिंग कर रहा हूँ, मेरा फेज ही नहीं खत्म हो रहा, तो यार बस यार आज के लिए इतना ही है यार मेरे से, अब और माइनिंग नहीं रही, मैं थक गया। तो यार बस आज के लिए इतना, अगर आप लोग आज आगे वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, अच्छा सा आप लोग शाउट आउट मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना, मिलते हैं इसी अगली मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।